Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying retirement of a partner. और retirement of a partner में concept है settlement of loan account of the retiring partner. Question है, Rakesh retired from the firm. The amount due to him was determined at 90,000. It is decided that the due amount to be paid as follows. तो राकेश रिटायर हो गया. क्वेश्चन में बोला है प्रिपेयर रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट. ये जो राकेश रिटायर हो रहा है उसका लोन अकाउंट बनाओ टिल इट इज फाइनली पेड, में वहां तक करा देता हूं. तो जिस दिन वो रिटायर हो गया डेट नहीं रखा है, आप कुछ भी डेट ले लो, अप्रैल 1 ले लो या तो जनवरी 1 ले लो, और ईयर एंडिंग भी बताया नहीं, आप 31 मार्च ले लो, या अगर जनवरी 1 ईयर बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो ईयर एंडिंग 31 दिसंबर करो. तो मैंने अप्रैल 1 ले लिया बाय राकेशस कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे ईयर कुछ भी ले लो 2023, 2024, 2025 ऐसे चलेगा. तो अप्रैल 1 को वो रिटायर हो गया. जो कोई भी पार्टनर रिटायर होता है उसका जो बैलेंस अमाउंट उसको पेमेंट होना होता है, उसका जो शेयर होता है फार्म में, वो पैसा उसका कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट को ट्रांसफर हो जाता है. राकेशस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू राकेशस लोन अकाउंट. ये राकेशस कैपिटल टू राकेशस लोन ये हो गया आपके. इसके बाद तो इमीडिएटली उसको 30,000 दिया. द पेमेंट इट वॉज डिसाइडेड टू पे द ड्यू अमाउंट एज फॉलोज ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट 30,000. इसी दिन को 30,000 पे कर देंगे टू कैश 30,000. इसी दिन तुरंत जब रिटायर हुआ टू कैश, तो सेम डे सेम डेट सेम ईयर. और बाकी 60,000 बच गया. एंड बैलेंस इन थ्री ईयरली इंस्टॉलमेंट, द फर्स्ट टू इंस्टॉलमेंट बीइंग 26,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड द बैलेंस अमाउंट एट लास्ट इंस्टॉलमेंट. तो इसका जो इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट होगा ऊपर दे रखा है, द इंटरेस्ट विल बी द परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट 10%. द लास्ट लाइन इंटरेस्ट एज पेएबल एट द रेट ऑफ 10%. तो 90,000 से 30,000 माइनस करो, बच गया 60,000. 60,000 का 10% अगर 2010 से शुरू किया था, 2011 मार्च में एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 31 मार्च को बाय इंटरेस्ट 60,000 का 10%. और इसी दिन इसी डेट को हम पे करेंगे 26,000 यहाँ पे टू बैंक अकाउंट 26,000. फिर बैलेंस कर दो 96,000. तो इसको टोटल करने के बाद इट इज कमिंग 96,000. इसको डेबिट साइड में लिखो और डिफरेंस निकालो, बैलेंस कैरेट डाउन एंड सेम डेट लास्ट डेट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय बैलेंस. ये दिस इज नॉट सीडी, दिस इज ब्रॉट डाउन. फिर 40,000 का 10% थर्ड ईयर में 31 मार्च तक बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इसका 10%. और सेकेंड ईयर में भी 26,000 यही वाला अमाउंट पे करेंगे दोनों साल में. तो इसी डेट को लिखो टू बैंक अकाउंट 26,000 हियर टू कैश अकाउंट 26,000. सिंपली बैलेंस करो 44,000 इधर उतारो, इससे 26,000 लेस करके यू विल बी गेटिंग थर्ड ईयर इसी डेट को टू बैलेंस कैरेट डाउन 18,000. और यहाँ पे सेम फर्स्ट अप्रैल को थर्ड ईयर को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन यही लाइन लिख दो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. दिस इज बीडी, दिस इज ऑल्सो बीडी, गलती से सी बी हो गया, बी सी हो गया. तो इसका 10% इंटरेस्ट फोर्थ ईयर 31 मार्च. ईयर तो थर्ड है बट अप्रैल टू मार्च हो रहे ना, तो दो साल कवर कर रहा है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1800. ये दोनों को पेमेंट कर दो 19,800 फोर्थ ईयर के एंड में टू कैश, और दोनों साइड टाली कर दो. दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर.